हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रो कबड्डी सीजन 9 के लिए दबंग दिल्ली की टीम किन प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हैं और किन प्लेयर को करने वाले रिलीज। तो ये वीडियो होने वाले बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार, तो आप इस वीडियो को देखिए लास्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक और नए वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जिन प्लेयर्स के नाम आपको इस लिस्ट में बताने वाला वो सभी यहाँ पर ऑफिशियली कन्फर्म नहीं है, ये यहाँ पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों दबंग दिल्ली की टीम किन प्लेयर्स रिटेन कर सकती है। और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर की लिस्ट के बारे में। तो पहला नाम इस लिस्ट में होने वाले यहाँ पर दोस्तों नवीन कुमार गोयत। नवीन ने यहाँ पर दबंग दिल्ली के लिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया लगातार कई सीजन से। सीजन 8 में भी यहाँ पर दोस्तों दिल्ली के लिए खेले गए अपने मैच में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, 200 से प्लस यहाँ पर रेड पॉइंट हासिल किए और टॉप रनर की लिस्ट में यहाँ पर दोस्तों 5वें स्थान पर रहे। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे प्लेयर की, तो होने वाले यहाँ पर जय ठाकुर जो कि बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है, लेकिन चोट के कारण वहाँ पर दोस्तों टूर्नामेंट में बीच से ही दिल्ली की टीम से बाहर हो गए थे, लेकिन उन्हें दिल्ली की टीम जो रिटेन करना चाहेगी। नेक्स्ट प्लेयर यहाँ पर दोस्तों विजय मलिक जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है, लेकिन यहाँ पर इस सीजन में दोस्तों विजय मलिक ने अजय ठाकुर और नवीन कुमार गोयत के एब्सेंस में दबंग दिल्ली के लिए बहुत ही शानदार रीडिंग पॉइंट जुटाया और टीम को यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करके दी। नेक्स्ट प्लेयर यहाँ पर दोस्तों नीरज नरवाल, उन्होंने भी यहाँ पर दोस्तों दबंग दिल्ली के लिए नवीन कुमार और अजय ठाकुर की गैर मौजूदगी में विजय मलिक का बहुत ही बेहतरीन साथ दिया और यहाँ पर क्रूशल समय पर टीम के लिए रीडिंग पॉइंट जुटाए। और हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट प्लेयर की, तो वो होने वाले यहाँ पर सुशांत सहिल जो कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर लेफ्ट साइड के रेडर हैं। नेक्स्ट प्लेयर दोस्तों वो होने वाले यहाँ पर आसु मलिक जो कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर रेडर हैं, वो भी यहाँ पर लेफ्ट साइड से रेडिंग करते हैं। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर टीम के डिफेंडर्स की, किन को यहाँ पर टीम रिटेन कर सकती है। तो सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर दोस्तों राइट कॉर्नर डिफेंडर संदीप नरवाल का, जो कि बहुत ही बेहतरीन एग्रेसिव कॉर्नर डिफेंडर, साथ में यहाँ पर बहुत अच्छी रेडिंग भी करते हैं। और नेक्स्ट प्लेयर वो होने वाले यहाँ पर जीवा कुमार, जीवा भी बहुत ही बेहतरीन और शानदार लेफ्ट कवर डिफेंडर ने यहाँ पर दोस्तों प्रो कबड्डी का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और नेक्स्ट प्लेयर होने वाले यहाँ पर दोस्तों उनके जोड़ीदार मनजीत चिल्लर, मनजीत ने भी यहाँ पर पीकेएल सीजन 8 के अंदर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया दबंग दिल्ली के लिए। उन्होंने यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छी यहाँ पर डिफेंस में परफॉर्मेंस दी, उन्होंने यहाँ पर दिल्ली की टीम जो रिटेन करना चाहेगी। नेक्स्ट प्लेयर होने वाले यहाँ पर टीम कैप्टन, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस कॉर्नर प्लेयर जोगिंदर नरवाल, जो कि बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। उनके बाद यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट प्लेयर है किशन दूल, जो कि बहुत ही शानदार यहाँ पर कवर प्लेयर है। उन्होंने यहाँ पर दोस्तों मनजीत चिल्लर की गैर मौजूदगी में बहुत ही शानदार यहाँ पर कवर पर प्रदर्शन किया। और हम बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली की टीम किन प्लेयर्स को यहाँ पर रिलीज कर सकते हैं। सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर दोस्तों ईरान के बहुत ही शानदार रेडर इमाद सैदा जगह का, उन्होंने यहाँ पर दोस्तों इतना अच्छा मौका नहीं मिला दिल्ली के लिए। दूसरे खिलाड़ी यहाँ पर मोहित भैसवाल जो कि बहुत ही अच्छे यहाँ पर डिफेंडर हैं। तीसरे प्लेयर का नाम है यहाँ पर सुमित भैसवाल, वो भी एक बहुत ही अच्छे कवर डिफेंडर हैं। चौथे प्लेयर है यहाँ पर दोस्तों बलराम सिंह जो कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर कॉर्नर प्लेयर है, उन्हें भी यहाँ पर टीम रिलीज करेगी। पाँचवें प्लेयर है यहाँ पर मनजीत जो कि बहुत अच्छे रेडर है लंबे कद के, उन्हें भी यहाँ पर टीम रिलीज कर सकती है सीजन 9 के लिए। छठे प्लेयर है यहाँ पर दोस्तों विकास टी जो कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर डिफेंडर है। सातवें प्लेयर है यहाँ पर मोहम्मद मलक जो कि बहुत ही अच्छे यहाँ पर ईरान के ऑलराउंडर हैं, उन्हें भी यहाँ पर टीम मेरे हिसाब से रिलीज कर सकती है पीकेएल 9 के लिए। नेक्स्ट प्लेयर है यहाँ पर दीपक जो कि अच्छे डिफेंडर हैं, उनको भी यहाँ पर टीम रिलीज कर सकती है। नौवें प्लेयर है यहाँ पर विनय कुमार जो कि बहुत अच्छे यहाँ पर कॉर्नर प्लेयर है, उनको भी टीम मेरे हिसाब से रिलीज करेगी पीकेएल 9 के लिए। और सबसे लास्ट और दसवें प्लेयर है यहाँ पर नितिन कुपवार जो कि बहुत अच्छे यहाँ पर रेडर हैं, उन्हें भी यहाँ पर टीम रिलीज कर सकते हैं पीकेएल 9 के लिए। तो ये थी यहाँ पर दोस्तों रिलीज और रिटेन प्लेयर की लिस्ट दबंग दिल्ली की टीम की पीकेएल 9 के लिए। और कैसी लगी आपको हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ में ये भी कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगा यहाँ पर कौन सी टीम के ऊपर चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी कबड्डी और क्रिकेट से जुड़ी शानदार अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।